गुरुवार 5 अगस्त को जरामुंडी थाना क्षेत्र के अंबा गांव में दुकान का ताला तोड़ते अपराधी सुरेंद्र यादव चितराजू यादव साचगुराई डी मोहनपुर जिला देवघर झारखंड को खदेड़ कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को मध्य रात्रि 2 बजे गश्ती के दौरान देखा गया कि अंबा गांव में चोर दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गश्ती पदाधिकारी अवर निरीक्षक श्री प्रभाष कुमार ने चोर को ताला तोड़ते हुए देख लिया। इस दरमियान चोर की नजर पुलिस पर पड़ गई। पुलिस को देख चोर भागने लगे अथवा भागते भागते चोर एक तालाब में कूद गया। अवर निरीक्षक प्रभास कुमार भी चोर का पीछा करने के क्रम में जान जोखिम में डालकर तालाब में कूद पड़े। तालाब को तैर कर पार करने के बाद चोर धान के खेत में छिप कर सो गया, जिसे अवर निरीक्षक प्रभास कुमार ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। अपराधी सुरेंद्र यादव का पूर्व में भी देवघर जिले में आपराधिक इतिहास है। हम लोग 5/8/2021 को संध्या गश्ती के रात्रि गश्ती के क्रम में हम लोग निकले हुए थे। रात्रि गश्ती और लंबित कांडों का अनुसंधान छापेमारी में इसी क्रम में जब भ्रमणशील थे अपने थाना क्षेत्र में, तो हम अंबा गांव के आसपास पहुंचे। अंबा गांव के आसपास पहुंचने पर एक दुकान के पास में दो अज्ञात व्यक्ति ताला को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही पुलिस पार्टी को देखी, उसके बाद दोनों जो है वो भागने लगे। भागने के क्रम में बल के सहयोग के द्वारा दोनों को पकड़ा गया। बल का सहयोग से पकड़ने के क्रम में वो लोग आसपास के तालाब में जो था, तालाब में भी कूद गया था। तो तालाब में कूद करके उसको पूर्व का इतिहास थाना आने के बाद में जब आसपास के थाना में पता किया गया है, निकटवर्ती थाना क्षेत्र में पता किया गया है, तो उसमें मोहनपुर थाना में कुछ केस है और मधुपुर थाना में भी कुछ केस है। मधुपुर थाना में 379/411 में वो रेड वारंटी है और मोहनपुर थाना से भी वो मारपीट का केस में जेल जा चुका है। एक बार ये जेल जा चुका है। पूछताछ के दौरान में ये कुछ बता नहीं पाया, सिर्फ अपना नाम पता बताया। अपना नाम सुरेंद्र यादव और घर जो है अपना ये मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंदर बताया है। दुमका से स्वदेशवाणी के लिए बसंत भालोटिया की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।